हेलो फिनस्टेड फैमिली, आई होप आप लोग हमेशा की तरह एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉलेट के बारे में, यानी कि हाउ टू बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसी विद लेजर कोल्ड वॉलेट। यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसी कंफ्यूजन होती है, क्वेरी होती है कि आखिर हम अपने जो कोल्ड वॉलेट है उससे ट्रांजेक्शन कैसे करें, मतलब बाय एंड सेल कैसे करें। सो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोल्ड वॉलेट होते क्या हैं। कोल्ड वॉलेट, जिसे हम हार्डवेयर वॉलेट भी बोलते हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली ऑफलाइन होते हैं, वो ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं होते हैं। उसमें आपके जितने भी क्रिप्टो हैं, जितने भी एसेट है, डिजिटल एसेट हैं, वो सारे आपके कोल्ड वॉलेट में अंडर स्टोर होते हैं, होल्ड होते हैं, जहाँ पे आपने जितनी भी क्रिप्टो बाय करी हैं आप उनको वहाँ पर स्टोर करके होल्ड करके रख सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं या फिर आप करते हैं, तो आपके लिए कोल्ड वॉलेट काफ़ी अच्छे हो सकता है, बिकॉज़ ये ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं होते, तो इसमें आपको ज़्यादा हैकिंग या फिर अपनी क्रिप्टो लॉस करने का खतरा नहीं होता है। ये कोल्ड वॉलेट होते हैं, यानी कि कम्प्लीटली ऑफलाइन होते हैं। जब आप इनको इसमें अपने क्रिप्टोस ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें सेफली होल्ड रहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि हम कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी कोल्ड वॉलेट, मतलब लेजर कोल्ड वॉलेट के साथ। तो मैं बता दूँ, अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल करें, ऑफकोर्स ये आप किसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म या उससे सही कर रहे होंगे, राइट? तो आपको क्या करना है, जब भी हम कोई कोल्ड वॉलेट बनाते हैं मोस्टली तो आपको एक एड्रेस मिलता है, यानी कि आप एक एड्रेस बनाते हैं, राइट? तो अब जो किसी भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर आप कोई क्रिप्टो करेंसी अगर बाय कर रहे हैं, तो आप उस अपनी क्रिप्टो को, मान लीजिए बिटकॉइन कर रहे हैं, तो आपने बिटकॉइन को अपने जितने आपके क्रिप्टो है आपने उसको उस एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर देना, यानी कि वो सारे के सारे आपके कोल्ड वॉलेट में स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी अगर क्रिप्टो बाय करते हैं तो आप उसको अपने कोल्ड वॉलेट में स्टोर कर रख सकते हैं। अब अगर आपने सेल भी करना है तो उसी तरह से आप अपने हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर वॉलेट जो है, आप उसको कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से, आपने जो अभी एड्रेस है उससे जितने भी क्रिप्टो, जितने भी डिजिटल एसेट आप अपने सेल करना चाहते हैं आप उस एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको एड्रेस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी गलत एड्रेस को डाल देते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन करते टाइम, तो वो किसी और गलत एड्रेस पर जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप किसी गलत एड्रेस पे ना जाएं। तो हमने ये तो जाना कि हम कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो आप बड़े ही इजी वे में आप अपनी स्टोर करके रखें, अगर आप लॉन्ग टर्म चाहती हैं या वैसे भी अपनी क्रिप्टोज जो हैं उनको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप कोल्ड वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं और आप इजीली उनसे ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोल्ड वॉलेट में स्टोर करके रख दिया तो वो उसी में स्टोर रह जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको कनेक्ट करके आप जब चाहें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं क्रिप्टो किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, उसमें एड्रेस डालकर जो भी आपको ट्रांजेक्शन करनी है, यानी कि बाय करना है या फिर सेल करना है। अब जैसे कि अगर हम ट्रांजेक्शन फीस की बात कर लें, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोल्ड वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ही वेरी करता है कि उसकी ट्रांजेक्शन फ़ीस क्या होगी। बट हाँ, दैट इज़ राइट, अगर आप वैसे नॉर्मली होल्ड कर करते हो तो उसकी एक्चुअली कोई फ़ीस नहीं होती, बट जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसकी फ़ीस लगती है, यानी कि डिपेंड करता है कि आप बाय करें या सेल करें, तो जितनी उसके ऊपर फ़ीस लगती है वो होता है। बट कुछ ऐसे वॉलेट होते हैं जिन पे होल्ड करने पे, तो ये वेरी करता है वॉलेट टू वॉलेट भी कि आप कौन सा वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम कोल्ड वॉलेट की बात कर रहे हैं, तो जितने आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी जो पर्टिकुलर फ़ीस लगती है वो आपको पे करनी होती है। तो यस, आप बाय एंड सेल ईजिली कर सकते हैं किसी भी कोल्ड वॉलेट के थ्रू। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी, एंड ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए जुड़े रहे फिनस्ट्रीट के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट या इन्फॉर्मेशन वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐसे अगर आपको और क्वेरीज हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, या आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है या कुछ भी आपको क्रिप्टो से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।